कुछ मॉम्स आपको आपकी जरूरत के अनुसार इतने कम पैसे देती हैं कि आप आइसक्रीम भी नहीं खरीद पाते, लेकिन अमीर माँ का दिल तोहफे के मामले में खुला रहता है। ये बहुत गलत है। एरिका अपनी बेटी के स्टाइल को बहुत सीरियसली लेती है। अगर लिलियन को एक नया हेयर स्टाइल चाहिए तो वो उसे मिलेगा, और ये सिर्फ एक साधारण हेयरडू नहीं होगा, ये एक स्टार स्टाइलिस्ट द्वारा किया जाएगा, शहर की सबसे बेस्ट। वो अगले 6 महीने तक बुक है, पर एरिका अपने कनेक्शन और पैसों के कारण भीड़ में से आसानी से निकल जाती है। ये जरूर VIP ट्रीटमेंट है, यहाँ तक कि छोटी क्लाइंट के लिए तोहफे के रूप में थोड़ा सा मेकअप और माँ के लिए एक कप कॉफी के साथ आरामदायक लॉन्ज एरिया। लुक तैयार है। वाह, तुम कमाल की लग रही हो। माँ और बेटी रिजल्ट से खुश हैं। माँ के इंस्टाग्राम के लिए एक सेल्फी, #LittlePrincess। पेनी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती, और अगर लिली को एक नया हेयर स्टाइल चाहिए तो वो उसे घर पर कर सकती है। उनके पास यहाँ एक हेयर ड्रायर भी नहीं है, पर कोई बात नहीं। खैर, माँ के पास एक तौलिया है, 100 स्ट्रोक्स और बाल सूख गए। काश कर्ल्स को सीधा करने का भी कोई तरीका होता। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। एक हेयर स्ट्रेटनर? नहीं, मेरे पास वो नहीं है। पेनी के पास उसके खुद के ब्यूटी हैक्स हैं, फॉइल और एक आयरन। थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल और ये सस्ता है। ओह, और खतरनाक, पर रिजल्ट शानदार है। ऐसा लगता है तुम मुफ्त में खूबसूरत हेयर स्टाइल पा सकते हो। मैं होमवर्क करते करते बहुत थक गई हूँ। मॉम, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? एरिका करना चाहती है, पर वो मैथ्स और फिजिक्स में अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें योगा का होमवर्क मिला होता तो मैं जरूर कर देती, पर जब तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है। कुछ कॉल्स और सबसे अच्छे ट्यूटर्स लिली की मदद करने जल्दी आ गए। उफ, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, ये एकदम बढ़िया है, पर मुझे आराम की जरूरत है। आप अपना काम करते रहो, मैं सिर्फ ऑनलाइन रहूंगी। और जब मैथ टीचर मुश्किल प्रॉब्लम्स हल कर रही है, ज्योग्राफी टीचर रिंग में एंटर करता है। माफ करना, पर ये भी मजेदार नहीं है। लिटरेचर टीचर के पास भी करने के लिए काम है। हाँ हाँ, एक्सप्लेन करते रहो, बस मुझे परेशान मत करो। और ये रहा अच्छे ग्रेड्स के लिए इनाम। अपना होमवर्क करो टीचर्स। माँ और बेटी के पास करने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। टीचर्स पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट जीवन का मजा ले रहे हैं। क्या तुम श्योर हो? लिली के परिवार के पास ट्यूटरिंग के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। उसकी माँ उसकी पर्सनल ट्यूटर बनती है और वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो पहले से सारी डिक्शनरीज और टेक्स्ट बुक्स पढ़ चुकी है। ये परिवार लड़ाई के बिना हार नहीं मानता। सारे फॉर्मूलास और थ्योरम सही से कर लेंगे, पर ट्यूटर्स को भी आराम की जरूरत होती है। सो जाओ माँ, मैं इसे खुद से खत्म कर सकती हूँ। जब तुम्हें खुद से साफ नहीं करना होता, गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पजल गिर गए। नहीं नहीं, कुछ भी मत उठाओ, क्योंकि हमारे पास क्लीनर्स हैं। उन्हें आए हुए काफी समय हो गया। हेलो, क्या तुम इस गंद को साफ कर सकते हो? और ये रहे क्लीनर्स, वो जल्दी से साफ कर देंगे। कोई शोर नहीं, कोई धूल नहीं। और जब तक वो यहाँ है, वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे कर लेंगे। उन्हें यहाँ बहुत सारे पैसे मिल गए। इन्हें अपने काम के लिए भी पैसे मिलेंगे।
अभी काफी साफ है, हम सबसे अच्छे हैं। पैनी और लिली की खुद से सफाई करने की आदतें हैं। ओह क्या मुसीबत है, वो क्लीनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें रैग्स और मॉप्स लेने होंगे। पर इसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा, ये टीम वर्क है। पैनी और लिली शिकायत नहीं करते, जब वो सफाई करते हैं तो उन्हें साथ बिताने के लिए समय मिल जाता है। हम बेस्ट है, जब घर साफ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नैनी छुट्टियों पर है, इसलिए आज एरिका अपनी बेटी को फेरी टेल पढ़कर सुना रही है, पर ऐसा लगता है कि कोई भी उसकी रीडिंग की कद्र नहीं करता। एक गेम ज्यादा मजेदार है, पर कभी न कभी फोन जब्त हो ही जाता है। ये सोने का समय है, गुड नाइट स्वीट हार्ट। माँ कमरे से चली जाती है और लिली अपने गेम्स को रिज्यूम करती है। कोई फोन नहीं, पर उसने तकिए के नीचे एक टैबलेट छिपाया हुआ है। इस घर में किताबों से ज्यादा गैजेट्स हैं। अब एरिका को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है कि लिली लंच टाइम तक क्यों सो रही है। पैनी और लिली की शाम शांत होती है। माँ के पास बेटी को फेरी टेल सुनाने का बिल्कुल समय नहीं है, उसे अपना काम खत्म करना है, पर लिली अपना ध्यान खुद रख सकती है और फिर सोने जाती है। मैं रीडिंग बंद नहीं करना चाहती, पर क्योंकि माँ ने कहा कि सोने का समय है, मुझे नीचे लेटना होगा और लाइट बंद करनी होगी। उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ बिस्तर शेयर कर रही है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं। एरिका अपनी रसोई में खाना पकाने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल्स पर भरोसा करती है। माँ खुद से पका रही है, तुम बात भी किस बारे में कर रहे हो? फ्रांस का शेफ बढ़िया काम कर रहा है, वो अपनी कला का असली उस्ताद है, वो हर बार एक मास्टरपीस बनाता है। आज शेफ माँ और बेटी को फैंसी बेरी डिजर्ट से ट्रीट कर रहा है, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट की तरह। बॉन एपेटिट। पर पैनी के पास एक पर्सनल शेफ के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है और उसके पास हमेशा खुद से डिनर पकाने का समय नहीं होता, उसे देर तक काम करना होता है, इसलिए कभी कभी वो डिनर में फास्ट फूड खाते हैं और साइड डिशेस के बजाय कैंड बीन्स। ये स्वादिष्ट एक जूसी बर्गर और कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज को कौन मना करेगा। और अगर तुम मजेदार मूवी देख रहे हो तो महसूस कर सकते हो कि तुम एक मूवी थिएटर में हो। ये स्वादिष्ट है, पहनने के लिए फिर से कुछ नहीं है, ये लिलियन की निरंतर समस्या है। माँ मैं इसे एक बार पहन चुकी हूँ। जाहिर है एरिका अपनी प्यारी बच्ची को पूरी स्थिति में कभी नहीं छोड़ेगी। जब पहनने के लिए कुछ ना हो तो तुम्हें एक पर्सनल डिजाइनर को बुलाना चाहिए, बढ़िया से भी बढ़िया। हमेशा की तरह एरिका आउटफिट्स पर कभी कंजूसी नहीं करती, डिजाइनर नाप लेता है, स्केच करना शुरू करता है और उसी शाम हाथ से बनी एक आउटफिट ले आता है। बढ़िया, पैसों के साथ सब कुछ मुमकिन होता है, जब तुम्हारी माँ अमीर हो तब तुम हमेशा स्टाइल में रह सकते हो। लिली को भी नई आउटफिट चाहिए। माँ देखो कितनी शानदार ड्रेस है। हनी तुम्हें सबसे खूबसूरत ड्रेस मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। रुको मेरे पास एक आइडिया है। ओह ये पुराना खजाने का संदूक क्या है? मुझे उम्मीद है कि इसमें सच्ची खजाना हो ताकि मैं ड्रेसेस खरीद सकूं। ओह नहीं ये सिर्फ पुराना सामान है, मेरे सपने वाले स्टाइलिश आउटफिट की तरह बिल्कुल नहीं। मेरे पास बस अपनी माँ की पुरानी ड्रेस है, मुझे इस धूल से भरी ड्रेस को ही पहनना पड़ेगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ माँ ये रियल विंटेज है, वो सिर्फ चाहती थी कि उसका स्टाइल पूरी तरह से अलग हो।
ये जरूरी पल है। लिलियन अपनी पार्टी के लिए स्टार चुन रही है। माँ अपने सभी कनेक्शन से तुरंत संपर्क करती है और उसकी बेटी इस मामले में बहुत नखरे कर रही है। ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, मुझे बिली आइलिश चाहिए और कोई भी नहीं। खैर, कम से कम उसने फैसला तो कर लिया। और मेहमान पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे तोहफे और बधाइयाँ। उसकी सपनों की घड़ी जो उसे अपनी माँ से मिली और बिल्कुल उसके आइडल से एक केक। ये बहुत बढ़िया है, ये साल की सबसे बढ़िया पार्टी है। मेरे दोस्तों को बहुत जलन होगी। पेनी भी ये पक्का करना चाहती है कि उसकी बेटी को एक लाजवाब पार्टी मिले। उसके पास स्टार्स और बाकी की चीजों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, पर वो किसी और के जन्मदिन से उधार ले सकती है। सिर्फ आखिरी के दो लेटर्स फालतू है। केक स्वादिष्ट लग रहा है। वो लकी है। बिली आइलिश का एक कार्डबोर्ड कटआउट, ये शानदार है। अब लिली को दिखाने के लिए तैयारी करें। अब हम अच्छे से जश्न मना सकते हैं। यहाँ तक कि स्टार्स के साथ कुछ सेल्फीज भी ले सकते हैं। ये लंबे समय तक यहाँ रहने वाली है। तुम जितने चाहती हो उतनी तस्वीर ले सकती हो। समय है तोहफे खोलने का। एक मार्कर, बिल्कुल। आखिरकार ये जज्बात होते हैं जो मायने रखते हैं। एक साधारण मार्कर भी कुछ बड़ा कर सकता है, जैसे कि एक रिस्ट वॉच। हम तुम्हारे लिए जरूर एक असली घड़ी खरीदेंगे, तुम देखना। और अब उन्हें केक खाने दो। माँ, ये अब तक का सबसे शानदार जन्मदिन है। क्या आपको गरीब माँ और अमीर माँ के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई? कौन सा परिवार आपको ज्यादा करीब लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ताकि आप हमारे चैनल से माँ और बेटी के नए स्केचेस मिस ना करें।